प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 साइंस का एनिमल टिशू पढ़ाएंगे। ये हमारा एनिमल टिशू जो है चैप्टर 6 से आता है। एनिमल टिशू को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ क्रियाएं जो होती हैं सांस लेने में होती हैं हमारी चेस्ट में। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव। क्या तुम्हें पता है कि हमारा शरीर कैसे मुड़ता है? फॉर द स्पेशल सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। हमारी बॉडी में मुड़ने के लिए एक सेल्स होती हैं जिसे मसल सेल कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। द कंट्रैक्शन एंड डिरेक्शन ऑफ दी सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। इसी को सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट का मतलब होता है शरीर को मोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसे जाता है हमारी बॉडी में? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन हमारे शरीर में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, ये ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ब्लड यानी खून। वी कैन फाइंड इट्स आंसर इफ वी रिकॉल द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। जो ब्लड होता है हमारे शरीर में वो विभिन्न धमनियों और शिराओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। पूरे सेल्स को या कोशिकाओं को भोजन पहुँचाने का कार्य भी ब्लड करता है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के हर भाग से ये जो गंदगियाँ होती हैं उसे कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजर। और दोबारा लीवर और किडनी को साफ करने का कार्य भी ब्लड करता है। ब्लड एंड मसल आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिशू। आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड और मसल ये दोनों क्या हैं? उदाहरण है टिशू के। टिशू फाउंड इन आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एनिमल टिशू कैन बी ग्रुप इनटू फोर टाइप्स। फोर टाइप्स के एनिमल टिशू पाए जाते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिशू, सेकंड है कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू एंड नर्वस टिशू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एपिथेलियल टिशू। ब्लड इज ए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिशू है एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिशू। ब्लड को कनेक्टिव टिशू के रूप में रखा जाता है और मसल्स को मस्कुलर टिशू के रूप में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिशू। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिशू इन द एनिमल्स बॉडी आर एपिथेलियल टिशू। एनिमल बॉडी को पूरी तरह से बाहरी परत जो कवर करती है उसे एपिथेलियल टिशू कहते हैं। दीज थिन शीट्स विच कवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड आल्सो लाइन द कैविटीज ऑफ द होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये बहुत से बॉडी सिस्टम को अलग करने में काम आता है। यह एक मोटी सी झिल्ली के रूप में फैला रहता है और बॉडी को ढकने का काम करता है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ये सब इसी के बने होते हैं। लंग्स एलवी एंड किडनी ट्यूबुलर्स आर मेड ऑफ द एपिथेलियल टिशू। किडनी का बाहरी पार्ट जो होता है ट्यूब होता है वो एपिथेलियल टिशू का बना होता है। एपिथेलियल टिशू
सिंगल भी होती हैं और मल्टी लेयर्स भी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअसली, ये बहुत टाइट बंधी होती हैं आपस में। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव मटेरियल, ये बहुत अधिक मात्रा में, बहुत छोटे सी मात्रा में ये क्या करते हैं, कनेक्टिव मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके बीच में अंतरा आर्विक स्थान स्थापित करते हैं। एनीथिंग डैट इंटर द लेवर द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट, कोई भी अगर बाहर से पदार्थ हमारी बॉडी में आता है तो इसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। द लेयर ऑफ एपिथेलियम एज ए रिजल्ट द परमीबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ डिफरेंट एपिथेलिया प्ले इम्पैक्ट रोल इन रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, एक्सचेंज करने का कार्य भी करता है, एक बॉडी में विभिन्न प्रकार के कार्य को ये कंप्लीट भी करता है। रिगार्डलेस ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज ए सपोर्टेड एंड अटैच्ड टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बंधी रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए कंटीन्यूअस शीट कंसिस्टिंग ऑफ द कोलेजन एंड द प्रोटीन, कोलेजन और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, आपस में मिले होते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया सो डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके अलग अलग आकार होते हैं, जैसे कि यूनिक फंक्शन, इनके फंक्शन भी एक ही जैसे लगते हैं। सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स लंग एलुआई वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्टेंस ऑक्वर्स अक्रॉस द सेलेक्टरी परमिएबल सरफेस, ये क्या करते हैं, छान कर पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं फेफड़े से। दीजी देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, सिंपल लाइन में बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैम्पस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैम्पस एपिथेलियम से सास एक्सटर्नली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, लाइनिंग के रूप में ये पतली झिल्ली के रूप में फैले होते हैं। इट फॉर्म मेजर कैविटी, ये क्या बनाते हैं, नाक की झिल्ली को बनाते हैं, ब्लड की झिल्ली को बनाते हैं। एल्वियोलर लाइनिंग ऑफ द लंग्स, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने का कार्य करते हैं, एल्वियोलर में भी ये पाए जाते हैं। स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, जो हमारे शरीर को स्किन सुरक्षा करती है। इजासोमेटो स्क्वेचम एपिथेलियम, स्क्वेचम एपिथेलियम के बने होते हैं। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स आर प्रिवेंट वियर एंड टीयर, सिंस दीज आर मेड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेचम एपिथेलियम, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इन द कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू द सेल्स आर इलोंगेट द फॉर्म ऑफ लाइनिंग लेयर ऑफ द म्यूकस मेंबर्स ऑफ द स्टोमच इंटेस्टाइन एंड यूरिनोजेनिटर ऑर्गन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पेट में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं और किडनी के अन्य भागों में पाए जाते हैं। द कोलुमनियर एपिथेलियम फैसिलिटीज मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू है सीलिया, सीलिया जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इसके बने होते हैं। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये बाल की तरह होते हैं। एंड आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सरफेस द सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश एंड म्यूकस फॉरवर्ड टू द क्लियर। द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कोलमर एपिथेलियम, इसे क्या कहते हैं,
सिलिकेट कोल्डमर एपिथीलियम कहते हैं। इन कुबोडो एपिथीलियम सेल्स आर क्यूब शेप्ड, किस शेप के होते हैं ये, क्यूब शेप के होते हैं। दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स डक्ट्स सेलिवरी ग्लैंड, ये ट्यूब के रूप में पाए जाते हैं किडनी में। सेलिवरी ग्लैंड मतलब माउथ में पाए जाने वाले जो लाल होते हैं उसके ग्लैंड में ये पाए जाते हैं। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या देते हैं ये, मैकेनिकल सपोर्ट। दे प्ले एंड एक्टिव रोल इन द सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये क्या करते हैं, श्रावण करने में, किसी चीज़ को उत्पन्न करने में और सोखने में, एब्जॉर्प्शन करने में, और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल के रूप में ये पाए जाते हैं। विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इन फॉर्म, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सीक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस नीडेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, दे फॉर्म ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के रूप में पाए जाते हैं और जीवन की सभी एक्टिविटी क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। ग्लैंड्स में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ब्लड हैज ए फ्लूड, ब्लड क्या है, लिक्विड है, फ्लूड है, मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, इसके अंदर एक फ्लूड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ पेल येलो प्लाज्मा, ये हल्के पीले रंग का होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉर्पस, विभिन्न प्रकार के कॉर्पस जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पस जिसे RBC बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस जिसे WBC बोलते हैं, फ्लोटिंग इन इट, ब्लड के अंदर ये तैरते हुए नजर आते हैं। द प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, नमक होता है और हार्मोन्स होता है। ब्लड फ्लोज द ट्रांसपोर्ट गैसेज डाइजेस्टिव फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड होता है अपने साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट गैस को और जितने पचे हुए भोजन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल जिनका उपयोग नहीं होता बॉडी के अंदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बोन इज एनोदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो हड्डी होती है एक दूसरा एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की। इट इज ए लिविंग टिश्यू, इट इज ए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू विच मेक्स द स्केलेटन ऑफ द मोस्ट वेलिब्रेट इट फॉर्म ऑफ द फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट द बॉडी, इट आल्सो एंकर एंड मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये मांसपेशियाँ और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं उनको सहारा प्रदान करते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू, ये बहुत मजबूत और लचीले प्रकार के टिश्यू होते हैं। इट इज ए फॉर बोन फंक्शन, जो कि हड्डियों के फंक्शन में कार्य करते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का कार्य करते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड, दो हड्डियां आपस में कनेक्ट होती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से। द टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल,
टिशू जो होता है बहुत ही इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीलेपन दिए होते हैं। टू बोन्स कैन कनेक्ट टू ईच अदर एनोदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिशू कॉल्ड द लिगामेंट। दो हड्डियाँ जो होती हैं आपस में एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती हैं। दिस टिशू इज वेरी इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ये जो टिशू होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ और बहुत मजबूती से हड्डियों को जोड़े रहता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मात्राओं में मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है। लिगामेंट अटैच बोन्स टू बोन्स, एक दूसरे बोन से बोन जुड़ी होती है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट एट जॉइंट, और जॉइंट के रूप में प्रोवाइड करती है। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं मसल्स को, मसल्स और हड्डियों को, मसल्स को कनेक्ट करते हैं हड्डियों से। टेंडन्स का कार्य होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। एंड द अनदर टाइप द कनेक्टिव टिश्यू, ये दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन आर फाइबरस टिशू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत मजबूत होते हैं लेकिन इनके अंदर भी लचीलापन पाया जाता है। एनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज है दूसरे तीसरी तरह का कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए टफ स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज वाइडली स्प्रेड सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं। कार्टिलेज जो होता है स्मूथलेस होता है बोन सरफेस इट जॉइंट एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन द नोज ईयर टार्किया एंड डेरिक्स। इसमें पाया जाता है कार्टिलेज नाकों में, कान की हड्डियों में, कानों में, टोट्राकिया में एंड डेरिक्स, इन चारों चीज़ों में ये पाया जाता है। कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स कैन बी फोल्डेड, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, फोल्ड रहते हैं। कार्टिलेज इज ए हाईली एडोप्टेड टू द रेजिस्टेंस एनी स्टेन एंड कैन एब्जॉर्ब द मैग्निकल शॉक। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन कनेक्टिव टिश्यू। इट फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोलर जो होते हैं स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं। एंड फिल द स्पेस इन साइड द ऑर्गन, और इसमें जगह जो होती है उसको ये भरते हैं। द सेल ऑफ टिशू आर फिल्ड एंड फैट ग्लोबल्स स्टोरेज फैट लेट इट एक्ट इंसुलेटर। बिसाइड द स्टोरिंग फैट इट आल्सो एक्ट शॉक एब्जॉर्ब अराउंड द किडनी एंड हार्ट। जब अधिक मात्रा में फैट उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में, ये कौन से टिशू से होता है? एडिपोज टिशू। एडिपोज टिशू जो होता है फैट को इकट्ठा करने में काम करता है। इट इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? ये स्किन त्वचा में पाया जाता है और इंटरनल ऑर्गन शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं आंतरिक भाग होते हैं उसमें पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोबुल्स। ये किसे भरे होते हैं? फैट ग्लोबुल्स के भरे होते हैं। स्टोरेज फैट इंसुलेटर कार्य करते हैं और स्टोरिंग फैट जो होते हैं वो सोक एब्जॉर्ब नुकसान पहुंचाने काम करते हैं, जैसे किडनी और हार्ट को। माइक्रोस्कोपी के अगर हम देखते हैं तो मसल्स एग्जिबिट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। कैसे दिखेगा? अंधेरे में, अंधकार में ये लाइट और डार्क गहरा दिखेगा। वैन स्टैंड एक्टिविटी एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट मसल्स। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट मसल्स कहते हैं। द सेल ऑफ द टिशू आर लॉन्ग। ये बहुत लंबे होते हैं, सिलेंडर टाइप के होते हैं,
बैलेंस होते हैं, अनब्रांचेड भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे आर फाउंड इन द हेड, ट्रंक, लिम्ब और रीजन ऑफ द बॉडी। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सिर में पाए जाते हैं, ट्रंक में, पैरों में, लिम्ब में पाए जाते हैं। दे आर इन वॉलंटरी मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन द बॉडी। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, द कंस्ट्रक्शन एंड द रिडक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। एलिमेंट्री कैनाल में भोजन को पहुँचाने कार्य और सिकुड़ने और फैलाने कार्य ब्लड को वेसल्स के अंदर करते हैं। दीज मूवमेंट कैन नॉट बी स्टार्टेड स्टॉप, न इसको ख़त्म किया जाता है न इसको शुरू किया जाता है, ये जीवन भर चलता रहता है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं इन्वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। कंट्रोल्स मूवमेंट, ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आईज, आँखों में आइरिस के रूप में पाए जाते हैं। इन यूरेटस लिम्फ में ग्रैंड एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, फेफड़े में ब्रोंकाई के रूप में पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड स्पाइनस शेप एंड द यूनिमेसुरल यूनिन्यूक्लिएट जो होते हैं दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेट मसल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर लाक स्ट्रेट। द मसल्स ऑफ द हार्ट सो रिथेमिक कंट्रैक्शन एंड रिडक्शन थ्रू द लाइफ। द वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, वॉलंटरी मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं। हार्ट मसल्स को सिलिंड्रिकल या ब्रांचेड या यूनिन्यूक्लिएट मसल्स भी कहते हैं।